हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सोमेंद्र के साथ आप सबको वेलकम करेंगे कुंडल लैब वर्क पे। तो दो साल के बाद सोमेंद्र आए हैं आज से लैब पे, काफ़ी खुश हूँ फ्रेंड, क्योंकि सोमेंद्र ही फर्स्ट है जिसने कुंडल लैब वर्क को फर्स्ट विजिट किया था, अपने चैनल पे कुंडल लैब वर्क को दिखाया था। तब मेरा तो फ्रेंड स्टार्टिंग था 2000-2500 सब्सक्राइबर था। सोमेंद्र का जो चैनल है कैसे रुपया, वो चैनल वेस्ट बंगाल में सबसे फास्ट चैनल है। बात इन्फॉर्मेशन वीडियो में जो अभी तो इतना सारा चैनल हो गया है, मेरा भी चैनल हुआ है, लेकिन दाना का चैनल सबसे फास्ट था जिसमें ज़्यादा बात को लेके वीडियो करते थे। काफ़ी सारा वीडियो इन्फॉर्मेशन दादा से मिलता था और दादा ही फास्ट आए थे कोला लगभग चैनल में। तो आज कोला लगभग जो भी किया है बस जितना भी सब्सक्राइब हुआ है फिर अब तक जो मैंने पहुँच पाया, इसके पीछे सोमेंद्र का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उनका जो हेल्प वो जो मदद किया था दादा, वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। इसलिए दादा को मैं आप सबकी तरफ से थैंक यू कहूँगा। ऐसा ठीक है, दादा वीडियो बनाए थे बहुत अच्छा वीडियो। हाँ नहीं, दादा का मेहनत था। हाँ, एक चैनल के लिए वीडियो जो बनाए थे दादा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं और वीडियो देखने को भी मन करता है। वीडियो देखिए और अच्छा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, नया नया बर्ड्स देखने को मिलता है दादा के चैनल में। हाँ दादा, देखिए एक्चुअली मेहनत तो करता है, वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो अगर लोगों तक नहीं पहुँचता है, लोग अगर नहीं देखता है, तो मोटिवेशन कंटिन्यू रखना है, इंस्पिरेशन और जगह पर रखना, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट है। हाँ, आप लोगों का तो सपोर्ट जो भी रहते हैं, लेकिन अब तक पहुँचने के लिए जो जरिया था, उस जरिया में एक अहम किरदार निभाया था सोमेंद्र। आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। हाँ हाँ, वो कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग होता है ना, और यूट्यूब पे फ्रेंड्स अभी तो कोई पोजीशन बनाना, सब्सक्राइब बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, काफ़ी कॉम्पिटिशन हो गया है, काफ़ी सारा न्यू क्रिएटर आ गया है। तो यूट्यूब भी अभी क्या हो गया है, अभी काफ़ी सोच समझ के गूगल इंजन पे पेज करता है किसी का, मतलब प्रमोशन, तो अभी काफ़ी टफ हो गया है। उसी जगह से सोमेंद्र काफ़ी हेल्प किया थे, इसके लिए सोमेंद्र को मैं हमेशा थैंक यू कहता हूँ, हमेशा उनको मैं उस जगह पे रखता हूँ। तो 2 साल के बाद आज सोमेंद्र आए हैं, पूरा सेटअप दिखाएंगे, ठीक है। सोमेंद्र से कुछ एडवाइस लेंगे, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के सीनियर है ये नहीं थे, बाट बिल्डिंग में भी काफ़ी सीनियर है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है सोमेंद्र का। हाँ, आप तो देखते हैं चैनल पर, काफ़ी जगह पर जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं बाट को लेकर, और आज जो बाट का ऊपर क्रेज आया है, इतना सारा नया फैंसियर जुड़ रहे हैं इस बार बीटिंग फील्ड पे, इसमें सोमेंद्र का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, सोमेंद्र तब थे तब कोई नहीं था, तब से सोमेंद्र फाइट करे, स्ट्रगल करे, अपने शौक को जारी रखा है, शौक को स्प्रेड किया, हम लोग तो काफ़ी बाद में आके जुड़े, तो इसलिए सोमेंद्र को हम तक सबसे तरफ से कहीं देना ही पड़ेगा। जो सोमेंद्र काफ़ी अच्छा वर्क किया है, काफ़ी मेहनत से आज इस जगह पे लेकर आए हैं, और फेस टीम का जो चैनल है ये हम सबका चैनल है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये चैनल सबसे पुराना है। मैंने आपको बोला मेरा चैनल आया है, आगे भी काफ़ी सारा चैनल आएगा, लेकिन फेस टीम का चैनल जो है ये हम सबका है, क्योंकि फर्स्ट चैनल है बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जब फेस टीम को सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा तरफ से सिर्फ यही रिक्वेस्ट। हाँ, जो एग्जॉटिक फिंच का जो सेटअप है, मतलब इस तरीके का फिंच मैंने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा। नहीं ऐसा बात नहीं, आप बहुत नहीं, नहीं, मैं हाँ, जो ये जो ब्लैक चिक और ये जो फिंच है फीबी, हाँ फीबी कास्टेड जम्बो फिंच, उसमें जो ब्लैक चिक में ये सब नहीं देखा था, गोल्डन लॉन्ग टेल तो देखा था, गोल्डन लॉन्ग टेल स्टार और बहुत कुछ। और एक दादा आए हैं, और एक दादा से मैं पूछ लूँगा, आपको आप लोग सारे उनको पहचान से भी है, दादा को जला आई। हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं करण गुप्ता हूँ, मैं आज सोमेंद्र दादा के साथ आया हूँ कोलकाता लैब पर अविनाश दा के सेटअप में। दोनों को मैं दिल से थैंक यू कहूँगा, आप लोग आए मेरा सेटअप पे, कितना खुश हूँ मैं आपको बोलने, मतलब बोल के जाहिर नहीं कर पाऊँगा। मैं भी सोच रहा था कि आऊँगा, टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोमेंद्र आज आए, बोले कि चलो चलते हैं, मैं भी सोचा चलिए इसी बहाना हम भी घूम ले, तो वही हम लोग आए यहाँ पर, आकर देखे सेटअप, बहुत ही अच्छा कवरेज यहाँ पर देखने को मिला, और अगर इन फ्यूचर फिर अगर मेरे को स्मॉल बर्ड पर अगर काम करना होगा तो ये एक्सपीरियंस मैं काम में लगाऊंगा,
क्योंकि यहाँ पर मैं जो देखकर सीखा इतना अच्छा प्रोग्रेस स्मॉल फिंच जोम्बो फिंच और प्रीस्टेट और बहुत सारा। और सबसे मेरे को बेस्ट लगा जो जावा का जो इनका कॉलोनी है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा अगर नेक्स्ट टारगेट अगर स्मॉल बर्ड पे होगा तो ये जावा पे ही करेंगे और ऐसे ही कॉलोनी पे मैं भी ऐसी सेपरेट केज कॉलोनी में ऐसे ही। और ये जो पिंचेस का सेटअप वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से मुझे और सोमेंदा तो जानते ही होंगे, सोमेंदा भी कुछ एक्सपीरियंस लेकर हम लोग जाएंगे और जाकर इन फ्यूचर अगर हम लोग को एग्जिट पिंच के ऊपर कुछ काम करना होगा तो हम लोग जरूर ऐसा यूज करेंगे। और एक चीज़ मैं कहूँगा, दादा का काफ़ी सारे लोग शायद जानते नहीं है, दादा को देखा नहीं है, दादा पूरा पैरेट्स के ऊपर काम करते हैं, काफ़ी अच्छा सेटअप है दादा का। दादा क्या क्या बर्ड्स के ऊपर काम करते हैं पैरेट्स के ऊपर थोड़ा बता दीजिए। मेरे पास सनकोनियर है, ग्रे पैरोट है, मैकाऊ है और ये स्मॉल कोनियर में मॉन्क तो है, मॉन्क भी है, मॉन्क है, ग्रीन मॉन्क है, ब्लू है, सिल्वर है, काफ़ी पैरट के ऊपर काफ़ी बढ़िया सेटअप है दादा का। हाँ, सुमेन दादा ने कवर किया था, शायद सुमेन दादा कवर किया था ना आपने, कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। तो दादा काफ़ी अच्छा से ब्रीडिंग कर रहे हैं पैरट के ऊपर, तो आप वो वीडियो देखिए तो दादा कैसे क्या सेटअप किया है, कैसे क्या बार्ड्स रख के है, सब कुछ पता चलेगा। और तो सीनियर है दादा भी, सुमेंदा भी, तो दोनों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो नया फैंस है आ रहे हैं बार्ड ब्रीडिंग फील्ड पे, अभी काफ़ी सारे लोग इस फील्ड पे जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले सुमेंदा से मैं पूछूँगा दादा, नया फैंस है को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो बर्ड्स आप लोगों को पसंद है उसी बर्ड को पालिए, उस पर ही फोकस कीजिए, जो आपको पसंद आए, चाहे वो बजरी हो, बजरी के ऊपर हाई म्यूटेशन के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे नहीं कि बजरी ख़राब है, बजरी में भी बहुत सारा क्वालिटी आता है, हॉलैंड जो दादा करते हैं, हॉलैंड होता है, इसके ऊपर काफ़ी साफ है, बहुत लोगों को कुन्यूल पसंद है, तो कुन्यूल में भी बहुत महंगा महंगा और बहुत अच्छे अच्छे कलर के वैरायटी के कुन्यूल आता है, उसके ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों को लबर्स पसंद है तो लबर्स में भी बहुत सारा वैरायटी आता है, म्यूटेशन आता है, उसके ऊपर जा सकते हैं। जिसको जो बर्ड पसंद है उसके ऊपर जा सकते हैं। मतलब इधर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब दादा बोलना चाह रहे हैं जो किस में प्रॉफिट है ये देख के आप बार सिलेक्ट मत कीजिए। काफ़ी सारे आपको जो बर्ड पसंद आता है, काफ़ी सारे लोग दादा मुझे पूछते हैं दादा बर्ड पाल के फायदा अच्छा कर रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग वो बर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। इस सवाल से जो बर्ड पसंद है उसके ऊपर जाइए, उस बर्ड में भी बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी आता है। हाँ, इस सवाल से मुझे काम कीजिए। नहीं, इस सवाल से मुझे ना कभी हार्ड होता हूँ दादा, कौन बर्ड्स में ज़्यादा फायदा है, कौन बार्ड्स पे इन्वेस्ट करूं, तो उस लोग को मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ। ऐसे में सभी पार्ट में सेम है, अब उसी वैरायटी में उसी न्यूट्रिशन में खास प्रायोरिटी है, आपको कौन सा बार्ड्स अच्छा लगता है, जो बर्ड पसंद है वो उसी बर्ड के ऊपर जाएगी। और एक बात होता है, बहुत सारा इंसान है जो सोचता है कि अविनाश दा का जावा का कॉलोनी है, उनका जावा बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत कोई देखता है कि वो मैकाऊ या काकाटू या ग्रे जो भी ब्रीडिंग में सक्सेस है, तो वो चीज़ देखकर इंसान लोग सोचता है कि मैं उनका अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है, मैं वही चीज़ पालूंगा। तो वो देखकर और अपने को प्रॉब्लम में क्रिएट करके बर्ड पालना ये कोई नहीं कहता है। लेकिन अब देखिए, मेरा कैपेसिटी है मैं मैकाऊ पोसने का या ग्रे पोसने का या पिंच पोसने का, तो ये अपना कैपेसिटी देखकर कोई भी बर्ड ख़राब नहीं होता है, सिर्फ शूट करने का ऊपर है कि कौन किसको कैसे टैगल कर रहा है, कैसे उसको ट्रीटमेंट और कैसे उसको प्रोवाइड कर रहा है बर्ड सीड टॉप फूड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो उसमें अच्छा ब्रीडिंग हो रहा तो मैं भी वो करूँगा तो होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको प्यार करना है बर्ड से, बर्ड को आपको शौक से पालना है, उसके पीछे जितना टाइम उसको चाहिए उतना देना पड़ेगा। अगर वो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो न्यू बर्ड लवर हैं तो सभी लोग बर्ड पालते हैं शौक में, लेकिन सेकंड थॉट उनका दिमाग में ये रहता है कुछ अर्निंग हो इससे, ताकि वो कुछ बर्ड को बढ़ाएं या बर्ड का जो फार्म है उसको मेंटेन करें, क्योंकि बर्ड को अच्छा अच्छा खाना काफ़ी नया पैसा भी चाहिए, नया बर्ड खरीदना भी होता है, बर्ड खरीदना होता है, रूम को थोड़ा अच्छा बनाएं, नया नया लेके इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है। तो बहुत लोगों के पास जॉब छोटा होता है लेकिन शौक बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए बर्ड से ही कुछ सीख हो, अर्निंग हो, उसको सेल करें, कुछ नया म्यूटेशन ले जाए, सबके मन में ये होता है। तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि जो ये लोग करना चाहेंगे वो अपने एरिया से सोच समझ के कीजिए, कि आप जिस एरिया के अंदर रहते हैं वो बर्ड को सेल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत से लोग जैसे कि कुछ दिन पहले एक दादा का बात हो रहा था कि वो दादा चिकन का फार्मिंग स्टार्ट किए हैं, जो देसी चिकन चाटगाई हंस उसका फार्मिंग चार्ज किए हैं अंडे का, लेकिन अच्छा। वो वाला अंडे का मार्केट नहीं है,
पूरे कोलकाता में ये मार्केट नहीं है। पोल्ट्री का जो होता है उस अंडे का मार्केट है, लेकिन जो रेड कलर का अंडा होता है उसका उतना मार्केट नहीं है, देसी उसका उतना मार्केट नहीं है, उसका सेल करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसीलिए यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग बर्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा इलाका को देख लीजिए कि आपके इलाका में कौन सा बर्ड ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा चलता है, तो उसी बर्ड के ऊपर आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप का बर्ड कर दिए तो आपको सेल करने में दिक्कत होगा कि आपने मान लीजिए खरीदा 10,000 का और जब बेचने जाएंगे आपको 2-3,000 मिलेगा, तो आपको मेहनत ज़ाया जाएगा। थोड़ा सोच समझ के भी कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है दादा ने, और लालच में आके लालच में आके कोई ये, और हाँ खास करके एक चीज़ है कि ब्रीडिंग पेयर, एडल्ट ब्रीडिंग पेयर, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। बर्ड को बचपन से पालिए या सेमी एडल्ट लीजिए और खुद से रेडी करके ब्रीडिंग पे बिठाइए। वो एक बार जब ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा तो वो आपके फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा बहुत अच्छा, एक दो बार शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। बहुत कोई भी बोलता है कि ब्रीडिंग पेयर मत लीजिए, मेरे को ब्रीडिंग पेयर चाहिए, जो आते ही एक लेकर नया बर्ड कवर है वो लोग इसके चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं कि ज़्यादा जल्दी जल्दी अंडा बच्चा हो, रेडी टू ब्रीड, ब्रीडिंग पेयर खरीद लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। हाँ आप अगर उस पेयर के बारे में जिसका जो बर्ड का ओनर है उसको अगर जान पाए जाना तो ठीक है। हाँ मेरे पास 4 पेयर ब्रीडिंग पेयर है, मैंने 2 पेयर आपको दिया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन कोई नया बंदे से ऐसा बर्ड मत बाय कीजिए अगर न्यू है तो यही है। न्यू बर्ड लवर के लिए यही कुछ टिप्स है।